हेलो फ्रेंड्स, ऐसे अन्नपूर्णा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक ऐसी डिजर्ट की रेसिपी जिसे बनाना काफी ज्यादा आसान है और इस डिजर्ट में लगने वाले जो भी सामान हमें चाहिए वो आसानी से हमें मार्केट में मिल जाएगा और ये खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है, कुछ हद तक तिरामिसु डिजर्ट के जैसा। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। डिजर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर 2 चम्मच कॉफी पाउडर, आप कोई भी ब्रांड का कॉफी पाउडर ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लेंगे 4 चम्मच पाउडर शुगर, जहाँ पर चीनी को मैंने पहले ही मिक्सर जार में पीस लिया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लेंगे 3/4 कप पानी, यहाँ पर मैंने पानी हल्का सा गर्म लिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके बाद हम लोग क्रीम तैयार करते हैं। व्हिपिंग क्रीम तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 200 ml फ्रेश क्रीम लिया है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच पाउडर शुगर और 1 चम्मच वेनिला एसेंस लिया है। अब इसे व्हिप कर लेंगे। व्हिप क्रीम बनने के बाद एक और चीज है जो आप इसमें डाल सकते हैं, वो है क्रीम चीज। अगर आपके पास क्रीम चीज है तो आप उसे व्हिप क्रीम में डालने के बाद फिर से व्हिप कर लीजिएगा, उससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। क्रीम बनकर अब तैयार है, तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पर रस्क लिया है, तो आप कोई भी बिस्किट यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे डाइजेस्टिव बिस्किट भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर रस्क को कॉफी मिक्सर में डिप करेंगे और इसके बाद सर्विंग डिश में हम लोग रख देंगे। तो जब भी हम रस को कॉफी मिक्सर में डिप करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि कॉफी मिक्सर जो है वो हल्का गर्म होना चाहिए। अब ठीक इसी तरह से हम रस को कॉफी मिक्सर में डालकर उसके बाद सर्विंग डिश में रखते जाएंगे। तो ये हमने एक रस की लेयर बना दी है। अब इसके बाद इसमें हम क्रीम डालेंगे। तो क्रीम को हम लोग पाइपिंग बैग में डाल देंगे, उसके बाद अब हम इसे रस के ऊपर डाल देंगे। अब इसके बाद हम इसे स्पैचुला से अच्छे से इवन कर देंगे और इसे चारों तरफ हम अच्छे से फैला देंगे। तो क्रीम को हमने चारों तरफ अच्छे से फैला दिया है। अब इसके बाद हम लोग फिर से रस की एक लेयर बनाएंगे। इसके लिए हम लोग फिर से एक बार रस को गर्म कॉफी मिक्सचर में डिप करेंगे और इसके बाद क्रीम के ऊपर ठीक इस तरह से रखते जाएंगे। तो ये हमने फिर से एक बार रस की एक लेयर बना दी है। अब इसमें फिर से हम लोग क्रीम डालेंगे और क्रीम को चारों तरफ अच्छे से हम लोग फिर से एक बार फैला देंगे। तो ये देखिए, क्रीम को अच्छे से हमने फैला दिया है। अब अगर हम चाहें तो इसे बंद करके ऐसे ही फ्रिज में हम आधे घंटे के लिए रख सकते हैं और लास्ट में कोको पाउडर डाल सकते हैं, या फिर आप कोको पाउडर को पहले ही इसमें अच्छे से डालकर फ्रिज में आधे घंटे के लिए छोड़ सकते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो ये हमने कोको पाउडर को अच्छे से इसमें डाल दिया है। अब हम इसे फ्रिज में आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आधे घंटे के बाद हम कवर हटा करके देखेंगे तो ये देखिए, डिजर्ट जो है वो बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे कट कर लेंगे। और कट करने के बाद हम इसे चिल सर्व कर लेंगे। तो है ना कितना आसान इसे बनाना। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगा और आप इसे घर की पार्टियों में आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपीज में। अभी के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।